राघोपुर की बात है भैया, गांव ये बिल्कुल न्यारा, गांव ये बिल्कुल न्यारा। पल 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 ये रूप बदल, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा। ओ हो हो हो, बदल रही जब दुनिया सारी, बदले क्यों ना गांव रे। पढ़े लिखी जब दुनिया सारी, अनपढ़ क्यों ये गांव रे। नदिया किनारे एक गांव रे, नदिया किनारे एक गांव रे। नदिया किनारे एक छोटा सा गांव माधोपुर, जो आज भी निरक्षरता के अंधकार में भटक रहा है। इसी अनपढ़ता के चलते गांव का बूढ़ा किसान सरजू गांव के ही चालाक साहूकार चमकी प्रसाद से धोखा खा चुका है। गांव वालों की इसी निरक्षरता के चलते गांव के प्रभाकर बाबू यानी मास्टर जी मायूस हैं। वो गांव माधोपुर में शिक्षा का उजाला देखना चाहते हैं, मगर वहां उनकी कोई सुने तब ना। गांव का सरपंच राम सरन भी साहूकार जैसे लोगों से मिला हुआ है। सरजू का छोटा लड़का मोहन, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, गांव के माहौल में अपने अंदर घुटन महसूस कर रहा है। मोहन को अपना आदर्श पुरुष मानने वाली राधा उसके मन की बात को समझती है, मगर नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार नमस्कार वीडियो साहब, आइए तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। अभी पूरे गांव का दौरा करके आ रहा हूं। बहुत समस्या है इस गांव की, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, खून पसीना जो बहाना पड़ता है ना। आखिर सरपंच हूं इस गांव का। जी वो तो मैं देख रहा हूं, आपको देखकर लगता है कि काफी खून पसीना बहाते हैं आप। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं वीडियो साहब, कहीं कैसे आना हुआ? जी बस यूं ही, कोई खास बात नहीं है। अब दरअसल इलाके की खोज खबर रखना, यहाँ की बेहतरी के बारे में सोचना और इलाके के विकास की कोशिशें करना, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। सो तो है वीडियो साहब, इस इलाके की बेहतरी के बारे में सोचना ही हमारा काम है। आप इस इलाके के वीडियो हैं इसलिए, और मैं इस इलाके का सरपंच हूँ इसलिए। क्या बात है वीडियो साहब, लगता है आपके मन में जरूर कोई बात है। देखिए सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मैं आपको यहाँ के साहूकार चमकी प्रसाद के बारे में आगाह करने आया था। साहूकार के बारे में? क्या हुआ चमकी प्रसाद को? चमकी प्रसाद को भला क्या होगा, लेकिन हाँ, गांव में उनको लेकर बहुतों को शिकायत है। शिकायत है साहूकार को लेकर? आप मुझे दो चार के नाम बताएंगे? माफ कीजिएगा, मैं नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हैं कि सरजू या उसके परिवार की तरफ से मुझे कोई शिकायत मिली है तो आप गलत सोचते हैं। देखिए सरपंच जी, जब किसी गांव में कोई घटना होती है तो उसकी चर्चा चारों तरफ हो ही जाती है। जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इस बारे में मैंने भी सुना था, मगर ये पैसों के लेन देन का मामला था। और वीडियो साहब, आपको तो मालूम ही है, लेन देन के मामले में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चलती रहती है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच? ये थोड़ी बहुत ऊंच नीच का मामला नहीं है सरपंच जी, ये गरीब और अनपढ़ आदमी के साथ जाति का मामला है। लल्लन की जो हालत हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और वैसे भी ये इस गांव की कोई पहली घटना तो नहीं, इससे पहले भी साहूकार ये खेल बहुतों के साथ खेल चुका है। मेरा ख्याल है वीडियो साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। वैसे मैं साहूकार से बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेरे ख्याल से भी यही अच्छा होगा, क्योंकि अगर सरजू के परिवार को फिर से परेशान किया गया और उसकी खबर मुझे मिली तो सरपंच जी ये मामला ऊपर तक ले जाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं इस बात को कलेक्टर साहब तक लेकर जाऊंगा, और ये तो आप जानते हैं सरपंच जी कि साहूकार किस तरह से अपना धंधा करता है। अच्छा मैं चलता हूँ। अब वीडियो साहब कुछ जलपान वगैरह तो लीजिए। जी नहीं, नमस्ते। ये सचमुच कमाल की बात है मास्टर जी, अगर आप वीडियो साहब से बात ना करते
तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता हम पर। नहीं मोहन, कोई कमाल नहीं हुआ है, यह सच है। मैंने ही बीडीओ साहब से इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी। देखो मोहन, जब कभी भी जुल्म और अन्याय होता है तो वक्त आने पर उसके खिलाफ आवाज भी उठानी पड़ती है। हाँ, मगर मास्टर जी, चिंता मत करो मोहन, हम पुराने जमाने में नहीं जी रहे। आज का जमाना नया जमाना है, नए जमाने के साथ नए कानून भी हैं, और साहूकार इन सबसे अनजान नहीं। अगर उसमें जरा भी समझदारी बाकी हुई तो वो तुम्हारे परिवार वालों को जरा भी परेशान नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो सुखी वो भी नहीं रहेगा, और वो ये कभी नहीं चाहेगा मोहन। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मास्टर जी के हम आपका एहसान कैसे उतार पाएंगे। मोहन, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हम लोगों का फर्ज है। हाँ, मगर इतनी हिम्मत तो शायद मैं भी नहीं जुटा पाता मास्टर जी। हाँ मोहन, अभी तुम्हें अनुभव की कमी है, जिंदगी का तजुर्बा कम है तुम्हारे पास। हाँ शायद, मगर ये तजुर्बा आएगा कहां से मास्टर जी? यहां इस गांव से जो कुछ हासिल हो सकता है उसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहां उजाले की एक किरण भी नहीं है मास्टर जी, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। मोहन, एक मशवरा दो, मानोगे? जाओ, इस गांव से दूर शहर चले जाओ। शहर? तो क्या आप भी? मुझे सचमुच ताज्जुब है मास्टर जी। मोहन, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ के कह रहा हूं, और इसे लेकर मुझे कोई ताज्जुब नहीं। गांव से बाहर चार दिन जिंदगी को जियोगे तो उसे अपने नजरिए से देखोगे। माधोपुर की जिंदगी तुम खूब जी लिए, अब बाहर की जिंदगी भी देखो। हाँ, अगर मुझसे कोई कहे कि इस गांव से दूर शहर चले जाओ तो शायद मैं ये फैसला ना कर पाऊं। इसे तुम मेरा जुनून भी कह सकते हो और पागलपन भी, लेकिन हाँ, अगर तुम यहां से बाहर जाओगे तो बाहर की दुनिया को अपने नजरिए से देखोगे, तुम्हारे अंदर की घुटन कम हो जाएगी। मगर शहर जाकर भी क्या करूंगा मास्टर जी, वहां भी पढ़े लिखे बेरोजगारों की कमी तो नहीं है ना? हाँ, रोजगार के लिए लाखों इंसान रोजाना गांव से शहर जाते हैं, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें वहां कोई काम मिल ही जाएगा। और कौन जाने कि तुम्हें वहां रोजगार मिल ही जाए। मुझे लगता है मुझे हार माननी ही पड़ेगी मास्टर जी, आपसे जीत पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मोहन, शहर जाने की बात मेरा एक सुझाव है तुम्हारे लिए, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे जरूरी काम है। एक मिनट मास्टर जी, बस मेरे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। शहर मेरे लिए बिल्कुल नया होगा, क्या आपके वहां कोई जान पहचान वगैरह, मेरा मतलब मास्टर जी? कल क्या होगा ये किसको पता है, गांव में क्या था शहर में क्या है, क्या रूप लेगी जिंदगी क्या खबर, आज तो जीवन एक सजा है, एक सजा है, एक सजा है, कल क्या होगा ये किसको पता है। राम राम काका। क्या बात है काका, आज चिट्ठी पत्री को लेकर कोई पूछताछ नहीं करोगे? क्या फायदा डाकिया बाबू, चार साल से एक ही बात सुन रहा हूं। सो तो है काका, अगर आज का जवाब कुछ अलग हटकर हो तो मिठाई खिलाओगे क्या? क्या क्या मतलब? अरे मतलब वही काका जो तुम समझ रहे हो, शहर से चिट्ठी आई है तुम्हारे बेटे की, ये लो। चिट्ठी आई है? हाँ, चार साल के बाद
हमारे बिटुआ की चिट्ठी आई है। डाकिया बाबू, मुजनपर से मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? कैसी बातें करते हो काका? लाख लाख शुक्र है हे भगवान। वो राजी खुशी से तो है ना डाकिया बाबू? अब चिट्ठी तुम्हारे पास है, आराम से बैठकर पढ़ो। बूढ़े से मजाक करते हो डाकिया बाबू, यहां तो का से कबूतर भी नहीं मालूम। पता है काका, तभी तो बोल रहे हो। अच्छा लाओ, आज मैं तुम्हारी ये चिट्ठी पढ़कर तुम्हें सुना ही देता हूं। चरण स्पर्श करते हुए काका क्षमा याचना के साथ लिखा है कि शहर की दौड़ धूप और रोजी रोटी के चक्कर में इतना उलझ गया था कि अपना भी होश नहीं था, मगर अब नियम से चिट्ठी भी लिखेगा और रुपए पैसे भी भेजेगा, और अगर हो सका तो चंद ही महीनों में गांव भी आएगा। भला हो डाकिया बाबू, तुम्हारा भला हो। अगर ये चिट्ठी पूरी पढ़ देते तो? ना काका, अगर पूरी चिट्ठी सुननी है तो शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी पूरे चार गांव के चक्कर काटने अपने को। हाँ, वैसे इस गांव में कुछ पढ़े लिखे हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ऐसा करो, मास्टर जी से मिल लो, और अगर मास्टर जी घर पर ना मिले तो अपने मोहन भैया तो तुम्हें ये चिट्ठी पढ़कर सुना ही सकते हैं ना। ना ना डाकिया बाबू ना, मोहन अब गांव का कहां रहा, वो तो शहर जा रहा है। क्या काका, कहीं तुम? आज सारे गांव में यही खबर है डाकिया बाबू, मेरा ललित शहर गया था। 4 साल तक उसकी कोई खोज खबर नहीं आई, और आज चिट्ठी आई है पूरे 4 साल के बाद। अब सरजू के बेटे को देखते हैं, ये सारे पढ़े लिखे एक से ही होते हैं। हाँ, गांव से जाते हैं तो पलट कर भी नहीं देखते। क्या मोहन भी अब शहर जा रहा है? ये तो सचमुच में एक नई खबर है। अच्छा काका, मैं चलता हूं। मेरा ललित अब गांव वापस आएगा। ललनबा, ये क्या सुन रहे? ये कोनो नई बात नहीं है बापू, पूरे गांव में आज एक ही खबर है, मोहनवा शहर जावे को तैयार है। ये कैसे हो सकत है? हमरा बिटवा शहर जाए और हमका पता भी ना, ई मां जरूर कोई ना कोई गलती है। एवा कोनो गलती नहीं है, ना ही कोनो गलती की गुंजाइश है बापू। मोहनवा का दिमाग खराब हुई गवाह है, शहर जावे को तैयार बैठा है, बात करत है बेकार की। ना तो किसी का गांव में रहना बेकार की बात है बड़े भैया, और ना ही गांव की हदों से बाहर निकलकर शहर जाना। और फिर कोई अगर गांव से शहर की तरफ देखे भी ना, भला ये कहां की बात हुई? अरे अगर हमारा मोहन गांव से शहर जाकर
अपनी जिंदगी में कुछ अनुभव हासिल करना चाहता है तो ये में हर्ज भी का है? अरे हमारा मोहन पढ़ा लिखा है, समझदार है, अपना अच्छा बुरा सोचता है, समझता है। अगर वो शहर जा ही रहा है तो एक ना एक दिन गांव वापस आ ही जाएगा ना। अरे जो गांव से निकलकर शहर गया वो का कभी वापस लौटा है का? जो अपना मोहन वहां आ जाएगा, पढ़ा लिखा है ना, जाना थे समझाना मुश्किल है। और वैसे भी गांव में जो भी चार जमात पास कर गया शहर जाने का भूत ही सवार हो गया। एक मोहन ही बचा हुआ था और वो भी मोहन शहर जा रहा है बापू। इसके लिए तुम्हारे दिमाग में अपनी सोच है और बड़े भैया के दिमाग में अपनी। लेकिन क्या तुम दोनों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मोहन के दिल में का है? का है? वो के दिल में का है? अरे वो तो मौज मस्ती करे शहर जा रहा है, बात कर रहे थे बेकार की। नहीं बड़े भैया नहीं, ये तो मोहन के साथ ज्यादती है। अरे दूसरों को तो मैं नहीं जानता लेकिन अपने मोहन को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सोचिए तो, वैसे भी वो यहाँ रहकर कर ही क्या रहा है? अरे जिस गांव में गिनती भर के पढ़े लिखे हों, जहाँ पढ़ाई लिखाई को बेकार की बात माना जाता हो, उसी गांव में मोहन पढ़ा। अरे मैं तो कहता हूँ खूब पढ़ा और मन लगाकर पढ़ा, मगर क्या कदर हुई उसकी और उसकी पढ़ाई की। ज्यादा से ज्यादा किसी के लिए चिट्ठी लिख दी या पत्र पढ़ दिया बस। अरे ये भी कोनो कम है का? एमा भी दूसरन की दुआएं मिलत हैं और अम्मा बापू के ना चाहते हुए तुम तो पढ़े हो, तुम तो ना गए शहर, बात करत है बेकार की। अब भैया हर किसी को हम एक तराजू में तो नहीं तोल सकते ना। मैं शहर नहीं जाना चाहता था, नहीं गया। अगर मोहन जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। और अभी इसकी उम्र भी क्या है, कोई शादी ब्याह भी नहीं हुआ है और उसके सर पर इतनी बड़ी कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं है। परकछुआ? अरे बस बापू बस। अरे ये सब लोग एक तरफ, हम दोनों एक तरफ। मोहनवा शहर जावत है तो जावे दो, हम देखी कौन सी तोप चलाकर आवत है शहर से। किसी के रोके से कौनो रुकत है का? ये फैसला मैंने रुकने के लिए नहीं किया है बड़े भैया। कोई रुकता नहीं रोकने से, कोई रुकता नहीं रोकने से किसी ने, कसम वादों में कोई बंधता नहीं। उड़ जाते हैं पंछी घरों दो से अपने, दस्तूर जमाने का अब तो है यही, अब तो है यही। रोको कोई रोको, रोको कोई रोको, रोको कोई रोको न उसको, रोको कोई रोको जाने ना दो उसको, कोई रोको तो उसको। दुहाई हो रामा राम दुहाई, कसम तुम्हारी हमको, रुको मेरे भाई, रुको मेरे भाई। उड़ जाते हैं पंछी, उड़ जाते हैं पंछी घरों तो है यही, दस्तूर जमाने का अब तो है यही। रोको कोई रोको कोई रोको। सरजू का लड़का मोहन गांव छोड़कर शहर जा रहा है, ये सुनकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। अरे उस दिन उस कमबख्त ने अचानक बीच में टपक कर सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अगर मेरा बस चलता तो। बस साहूकार साहब बस, ज्यादा गर्मी ठीक नहीं। उस दिन वीडियो साहब ने आपको लेकर जिस भाषा में बात की थी ना, वो कोई अच्छी भाषा नहीं थी। मत भूलिए कि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। और फिर मुझे तो इन्हीं लोगों के बीच रहना है ना, कम से कम दिखावे के लिए इन लोगों की तरफदारी करनी ही पड़ेगी ना। आप तो सरपंच जी अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। अरे भाई डर कर कोई जिंदगी जिया है क्या? अरे डरता कौन कमबख्त है साहूकार साहब,
मगर जमाने की चिंता भी करनी पड़ती है। आपकी पहले ही बहुत सी शिकायतें ऊपर पहुंच चुकी हैं। अगर किसी दिन कोई गड़बड़ हो गई तो आपके लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो लगता है आप मुझे लेकर मुझसे ज्यादा परेशान हैं। वो इसलिए कि मेरा और आपका सालों का साथ रहा है। कल को आप पर किसी ने कीचड़ उछाला तो कीचड़ के छींटे मेरे दामन पर भी पड़ेंगे ना। मैं आप पे कोई रोक टोक नहीं लगा रहा, मगर हाँ, जो भी कीजिए इस तरह कीजिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इसी में हम दोनों की भलाई है, समझे आप? अरे वाह मोहन, क्या बात है। अरे मोहसिन भाई, आप क्यों मुझे 5 साल बाद गांव माधोपुर में देखकर चौंक रहे हो ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है मोहसिन भाई, मगर अचानक इस तरह हैरानी तो होती ही है ना। अरे भाई, हैरानी भी दूर हो जाएगी, एक बार तरीके से गले तो मिल लो। और कैसे हो? बस ठीक हूँ मोहसिन भाई। कहाँ जा रहे हो? फिलहाल तो आपके साथ हूँ। सच पूछिए तो आपको एकाएक सामने देखकर एक बार तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि आप हैं। आप तो भोपाल में थे ना? हाँ, अपने परिवार के साथ भोपाल में ही जिंदगी बसर कर रहा था। रोजी रोटी का छोटा सा जरिया बन गया था, बस वक्त कट रहा था। आप तो ऐसे कह रहे हैं मोहसिन भाई जैसे वहां से सारा काम काज समेट कर वापस माधोपुर आ गए हो। हाँ मोहन, हकीकत में ऐसा ही है। मैं पूरे 5 साल बाद गांव वापस आया हूं तो देख रहा हूं यहां पर कुछ भी नहीं बदला है, सब वैसे का वैसा ही है। गांव वासियों के लिए अंधेरों की जिंदगी यहां पहले भी थी, वही अंधेरी जिंदगी यहां आज भी है। पिछले दिनों तुम्हारे घर वालों के साथ जो हुआ उसे भी मैं जान चुका हूं। कितनी अजीब बात है ना मोहन, मैं यहां से गया इसलिए था कि मैं यहां की जिंदगी से तंग आ चुका था। मैंने सोचा ऐसे अनपढ़ अंगूठा टेक गांव में रहने से क्या फायदा, जहां पर एक मदरसा या पाठशाला भी ठीक से ना चल सके। लेकिन अब जब मैं वापस आया हूं तो यही सोचकर वापस आया हूं कि अगर हर कोई इसी सोच के साथ गांव माधोपुर से अपना दामन छुड़ाता रहा तो माधोपुर तो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा ना। और वो लोग तो यही चाहते हैं ना जो भोले भाले गांव वासियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मैं नहीं जानता मोहन तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जहां तक मेरे लौटने का सवाल है उसकी कोई खास वजह नहीं है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि देर सवेर इंसान को अपनी भूल का एहसास हो ही जाता है, या फिर यूं कह सकते हो अपनी माटी अपनी ही होती है। और यहां से जाने के बाद ना तो मैं अपने आप को यहां की माटी की महक से अलग कर पाया और ना ही गांव वासियों से। यहां की गंगा की लहरें, नदी से लहरा कर उठती ठंडी हवा हमेशा मेरी यादों में ताजा रही। हर वक्त मुझे ये महसूस होता रहा कि मेरा अपना कुछ गुम हो गया है, खो गया है। और उसी खोए हुए को पाने की ललक आपको वापस गांव ले आई है ना? हाँ मोहन, बीते सालों में जिंदगी में जो अधूरापन आ गया था ना उसे दूर करने चला आया। अब यहीं रहकर गांव की भलाई के लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। खैर, मेरे बारे में तो बहुत हुआ, अब तुम कुछ अपनी भी कहो ना। क्या कहें मोहसिन भाई, शायद हम गांव वालों की कहानी गांव और शहर के बीच ही भटकती रहती है। आप वापस गांव आए हैं मोहसिन भाई, और मैं गांव से शहर जा रहा हूं। आज यहां रहने के लिए कोई वजह भी नहीं है मेरे पास, और शायद इतने साधन भी नहीं है। इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा मोहन कि वक्त के साथ नजरिए भी बदल जाते हैं और वक्त आने पर साधन अपने आप जुट जाते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले शहर कभी नहीं गए। अगर तुम्हारा दिल है तो तुम्हें जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। एक बड़े होने के नाते नहीं, मैं एक दोस्त भी हूं तुम्हारा,
और मैं खुदा से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें अपने मकसद में कामयाब बनाए। सच पूछिए तो आपकी इन्हीं दुआओं की बेहद जरूरत है मुझे मोहसिन भाई, और उनमें कभी कोई कमी भी नहीं आएगी। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना जी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। अरे वारे भागीरथ, वाह क्या खूब तकदीर पाई है तूने। 4 साल से बिटुआ की कोई खोज खबर नहीं, और आज जब पाती आई है तो उसे बांचने तक को तरस गया। आज अगर 4 आखर खुद पड़े होते तो भला बिटुआ की पाती बांचने को ऐसे तड़पता। हाँ, मेरी अनपढ़ता ने ही तो यह तड़प दी है मुझे। हाँ, अब और नहीं, बस बहुत देखा है ये अंधेरा, अब मैं भी उजाला देखूंगा। हाँ, अब मैं भी उजाला देखूंगा। अब ये बूढ़ा भागीरथ भी आखर बांचना सीखेगा। हाँ, ये बूढ़ा भागीरथ भी आखर बांचना सीखेगा, आखर बांचना सीखेगा। पढ़ाई लिखाई का मोल आज भागीरथ काका जान ही गए। खुशी की बात है कि अब वो भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। काश सरजू और लल्लन भी अपनी भूल से सबक लेते। अगर ऐसा हो सके तब शायद मोहन भी गांव छोड़कर शहर न जाए। भले ही मोहन को शहर जाने की सलाह प्रभाकर बापू ने ही दी हो, मगर वो दिल से ऐसा कहां चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो वो खुद ही शहर न चले जाते। वो जानते हैं गांव माधोपुर को आज मोहन जैसे युवकों की ही जरूरत है। मोहन जैसे युवक ही गांव माधोपुर में बदलाव ला सकते हैं। दिल ही दिल में उन्हें इंतजार भी इसी घड़ी का है जब मोहन इसके लिए खुद सामने आए, साक्षरता की इस मुहिम में स्वयं समर्पित हो। काश ऐसा ही हो।